Hello everyone, welcome to the SAM, that is a study art, motivation and education. So in this video we are going to cover torodontism. Now what is torodontism? Torodontism में सबसे पहले आपको याद रखना है, it is a bulk like teeth. इसमें जो क्या होता है ना, आपने see कट चुइंग एनिमल्स में इस तरह के टूथ पाए जाते हैं. आपने क्या बोल सकते हैं, काऊ के टूथ देखे ही होंगे, है ना. तो उस तरह का टूथ का डेवलपमेंट हो जाता है. ओके, वो जो कर्चुइंग एनिमल्स होते हैं उनके टूथ को टोरोडोंट्स कहा जाता है. क्यों? क्योंकि उनके टूथ बहुत बल्क लाइक होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं. ओके, सो ये जो टर्म है ये सबसे पहले सर आर्थर केथ ने 1913 में दिया था. नाउ कमिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ टोरोडोंटिज्म, तो ये तीन तरह के हैं. ओके, सबसे पहले हाइपो टोरोडोंटिज्म, मीजो टोरोडोंटिज्म एंड हाइपर टोरोडोंटिज्म. तो हाइपो यानी कि सबसे माइल्डेस्ट फॉर्म, मतलब पता ही नहीं चलेगा कि टोरोडोंटिज्म है भी कि नहीं है, ठीक है. मीजो टोरोडोंटिज्म में क्या होगा, माइल्ड फॉर्म है, थोड़ा थोड़ा दिखेगा. हाइपर टोरोडोंटिज्म ये बहुत एग्रेसिव फॉर्म है, ये बहुत एक्सट्रीम फॉर्म है. इसमें क्या होगा, बाइफर्केशन एंड ट्राइफर्केशन जो है वो रूट एपाइसिस पर होता है. नाउ व्हाट इज बाइफर्केशन एंड ट्राइफर्केशन, यू मस्ट हैव नोन कि बाइफर्केशन क्या होता है, एक पॉइंट है वहां से उसकी ब्रांचेस निकलना, इट्स कॉल्ड बाइफर्केशन. बाइफर्केशन में क्या होगा, एक पॉइंट से जिसकी दो ब्रांचेस निकल रही हैं, ठीक है. ट्राइफर्केशन दिस इज एंड ये तीन ब्रांचेस निकल रही हैं, इसे बाइफर्केशन ट्राइफर्केशन कहा जाता है. सो आगे हम पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. कमिंग टू द कॉजेज ऑफ द टोरोडोंटिज्म, टोरोडोंटिज्म मेनली तो मैंने आपको बताया कि बड़ा जो टूथ जो बहुत बड़ा हो जाता है उसको हम टोरोडोंटिज्म कहते हैं. बट बेसिकली क्या होता है ना, ये आपका टूथ है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाए, जो पल्प चैम्बर है ना वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसे टोरोडोंटिज्म कहते हैं. नाउ द कॉजेस, ये ज्यादातर ना एंसेस्टर्स, ऐसे टूथ जो है वो हमारे एंसेस्टर्स में देखे जाते थे, तो इसमें हम कह सकते हैं इट इज अ रेट्रोग्रेड कैरेक्टर, स्पेशलाइज्ड और रेट्रोग्रेड कैरेक्टर. इट इज अ प्रिमिटिव पैटर्न है इसका. मेंडेलियन रेसेसिव ट्रेट में देखा जा सकता है. इट कैन बी एन एटाविस्टिक कैरेक्टर. यू नो व्हाट इज एटाविस्टिक कैरेक्टर, एटाविस्टिक कैरेक्टर यानी कि एक ऐसा कैरेक्टर जो हमारे एंसेस्टर्स में हुआ करता था लेकिन अब के ह्यूमन बींग्स में वो नहीं होता है. ओके, एंड इट कैन बी म्यूटेशन. म्यूटेशन क्यों होगा, अगर होगा तो ड्यू टू ओडोंटोब्लास्टिक डेफिशिएंसी ड्यूरिंग डेंटिजेनेसिस ऑफ रूट. नाउ व्हाट इज ओडोंटोब्लास्टिक, यानी कि जो टूथ के डेवलपमेंट के लिए जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स होते हैं जो टूथ के डेवलपमेंट के में हेल्प करते हैं उन्हें हम ओडोंटोब्लास्टिक सेल्स बोलते हैं. अगर उन सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो डेंटिजेनेसिस नहीं होगा. डेंटिजेनेसिस मींस डेंटिन का फॉर्मेशन नहीं होगा ऑफ रूट. सो उस टाइम पर उस इस वजह से हम कह सकते हैं कि या इट इज इसकी वजह से म्यूटेशन हो सकता है. नाउ कमिंग टू द इटियोलॉजी, ये होता क्यों है. इट इज ड्यू टू द फेलियर ऑफ हार्टविक्स एपिथेलियल शीट टू इन्वेजिनेट एट प्रॉपर हॉरिजॉन्टल लेवल. एक प्रॉपर हॉरिजॉन्टल लेवल पर वो इन्वेजिनेट नहीं हो पाता है. एज आई हैव सेड एनलार्ज्ड पल्प चैम्बर एंड कॉमनली सीन इन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. आप जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें आप इसको बहुत कॉमनली देख इस टोरोडोंटिज्म एनोमली को बहुत कॉमनली देख सकते हैं. ओके, नाउ कमिंग टू इट्स क्लिनिकल फीचर्स. नाउ क्लिनिकल फीचर्स में ये डेसिडस और परमानेंट दोनों टूथ में देखा जाता है, बट ज्यादातर परमानेंट टूथ में इसे देखा जाता है, ठीक है. इट मोलर्स जो है वो ज्यादा कॉमनली अफेक्टेड होते हैं. इट कैन बी यूनिलेटरल, बायलेटरल, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है क्वाड्रेंट में. देयर इज नो रिमार्केबल और नो यूजुअल अनयूजुअल मॉर्फोलॉजी. यानी कि आप अगर उस टूथ को ऊपर से देखोगे ना, सिर्फ ऊपर से देखोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि भाई इसको टोरोडोंटिज्म है भी कि नहीं, क्योंकि वो टूथ नॉर्मल दिखेगा. बिकॉज देयर इज नो अनयूजुअल मॉर्फोलॉजी. ओके, बट आप जब रेडियोग्राफ लेते हो तो क्या होगा ना, रेडियोग्राफ पर आप उस अनयूजुअल फीचर को आप बहुत अच्छे से देख सकते हो. अभी वो कैसे देख सकते हो, रेडियोग्राफिकल फीचर्स के बारे में आपको लिखने की जरूरत, मतलब आपको याद करने की, इन पॉइंट्स को जो इनको मैंने लिखा ना, इनको आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपको समझाएंगे इस डायग्राम से. अब देखो ये वाला जो डायग्राम है ना वो नॉर्मल टूथ है, ठीक है. ये है आपका पल्प चैम्बर, ठीक है, मस्त इसकी हाइट है, ठीक है. यहां से भी ये छोटा है, ठीक है. ये आपका हो गया डेंटिन, ये हो गया इनामल, ठीक है. तो ये परफेक्टली नॉर्मल टूथ है. नाउ दिस इज टोरोडोंटिज्म. टोरोडोंटिज्म में क्या हो रहा है, इसमें तो मैंने खैर रूट का बहुत ज्यादा वो कर दिया है. इसको आप ऐसे लीजिए, ऐसे इन दिस वे. तो इसमें क्या हो जाता है ना, सी दिस, दिस इज योर पल्प चैम्बर जिसको मैंने शेड किया है, ठीक है. दिस इज योर पल्प चैम्बर. सो सी दिस, पल्प चैम्बर जो है वो बहुत ही ज्यादा
एनलार्ज्ड हो गया है. दिस इज एन एक्सट्रीम फॉर्म, दैट इज अ हाइपर टोरोडोंटिज्म. ठीक है, तो हाइपर टोरोडोंटिज्म में हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि इसमें क्या हो गया है, जो पल्प चैम्बर है वो बहुत ज्यादा एनलार्ज्ड हो चुका है. तो और ये सी दिस, ये रेक्टेंगुलर शेप में हो गया है. ठीक है, सो इसका पहला देखो, एक तो अनयूजुअल फीचर हम रेडियोग्राफ में ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे, तो रेक्टेंगुलर शेप ऑफ रूट. इधर पे देखो, यहां पर रेक्टेंगुलर शेप ऑफ रूट और वो टैपरिंग नहीं होंगी, जिस तरह से टैपरिंग होता है ना. आपको मैं पिक्चर भी लगा देती हूँ, उसमें आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा. नाउ शॉर्ट रूट, सी दिस, इन दिस नॉर्मल टूथ द लेंथ ऑफ द रूट इज, द लेंथ ऑफ द रूट इज लॉन्ग. बट इन इन टोरोडोंटिज्म में क्या होता है ना कि जो रूट का जो बिकॉज पल्प चैम्बर बढ़ गया है, पल्प चैम्बर बढ़ जाने की वजह से जो रूट जो है वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट हो जाती है. ठीक है, बाइफर्केशन और ट्राइफर्केशन, ट्राइफर्केशन बाइफर्केशन जो ये यहां से टूथ में ये ब्रांचेस निकलना शुरू हो गई हैं. तो यहां पर अगर हम टूथ की बात करें तो यहां से जाके इतने आगे जाकर ये बाइफर्केशन ट्राइफर्केशन होगा टूथ में पल्प चैम्बर में. बट यहां रूट में क्या, इस टोरोडोंटिज्म कंडीशन में क्या होता है, कुछ एमएम जाकर ही, कुछ मिलीमीटर स्टार्ट होते से ही बाइफर्केशन ट्राइफर्केशन स्टार्ट हो जाता है. और क्या होता है, पल्प चैम्बर जो है वो एक्सट्रीमली लार्ज आ जाए, सेट ग्रेटर एपिको ऑक्लूजल हाइट होगा इसका. और जो जो टैपरिंग होती है, जो रूट जो है होती है वो टैपरिंग होती है नीचे अपाइकल रीजन से, वो टैपरिंग नहीं होंगे, वो बिल्कुल ऐसी हो जाएंगे. देखो मतलब टूथ का साइज, टूथ कैसा हो जाएगा ऐसा, ये तो आपका वो हो गया और ये हो गया आपका ऐसा. सो दिस कंडीशन, इस कंडीशन को हम कहते हैं टोरोडोंटिज्म. और ये आपको ना एक्सरे में ही ज्यादा अच्छे से देखने को मिल पाएगी. तो एक्सरे के भी देखो, एक्सरे के भी पिक्चर्स देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है और इसके कोई ट्रीटमेंट की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये कुछ इतना कुछ हार्म पहुंचाता नहीं है. सो बट इट इज एन अनोमली, सो ये आपको पता होना चाहिए. सो दैट्स इट, इट इज अबाउट टोरोडोंटिज्म. अभी हमने टोरोडोंटिज्म किया है कवर, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा टॉपिक कवर करेंगे. टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.